देखिए बच्चों, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी के ऊपर कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है और बहुत स्पेशल है। बोर्ड पर आप सामने देख पा रहे होंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन के बराबर होता है, जहां एन क्या होगा, एन ए का ऑर्डर होता है। जैसे अगर ए कोई 3 × 3 की मैट्रिक्स है तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, ए कोई 2 × 2 की मैट्रिक्स है तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। ओके ना, तो अगर आपको इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन मिलता है, जैसे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 132, पेज नंबर 132 क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना होगा और डिटरमिनेंट ऑफ ए की टर्म्स में आंसर है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है 3 × 3। तो जब ऑर्डर 3 × 3 दे रखा है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करिए। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एन की वैल्यू यहाँ 3 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे। एग्जाम में भी इस तरीके से बन जाता है, आपको कह देगा इफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 64, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए वेयर ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3। मतलब क्या दे दिया क्वेश्चन में कि आपको 3 × 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स दे दी और उसका एडजॉइंट की वैल्यू दे दी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पूछी गई है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिले एग्जाम में। तो क्या करते हैं इनमें, आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां से जो आया, वी नो दैट, याद रखिएगा आप इसे, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर होगा। ये 64 दे रखा है आपको, वो डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, तो यहां से डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू प्लस माइनस 8 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। तो ये छोटी मोटी जो बातें होती है ना, ध्यान रखना। एक और बन जाता है इसी के लगा हुआ क्वेश्चन, 18 दे रखा है बिल्कुल सेम इसी पेज 132 पर। 18 क्वेश्चन में कुछ ऐसा कह रखा है कि ए का इनवर्स और बाहर लिखा हुआ है डी ई टी, मतलब डिटरमिनेंट ए इनवर्स हमें फाइंड करना है कुछ डिटरमिनेंट ऑफ ए के टर्म्स में। तो इस क्वेश्चन में क्या करें आप जानते हैं ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी। अब दोनों तरफ डिटरमिनेंट अप्लाई कर दें, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू आई का डिटरमिनेंट। अब आई का डिटरमिनेंट तो 1 होगा, आप जानते हैं, ये हुआ डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। ए इनवर्स चाहिए आपको, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, और इन ऑप्शन में 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए दे रखा है, बी ऑप्शन, तो वो करेक्ट हो जाएगा। ओके ना, अच्छा लगे हाथ, हम एक छोटी सी ट्रिक और सीख लेते हैं। अगर आपको एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट निकालना है 2 × 2 मैट्रिक्स का, 2 × 2 मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट निकालना है, तो इसका ना बिल्कुल एक डायरेक्ट डायरेक्ट आपको कोई कोफैक्टर वगैरह नहीं फाइंड करना है, क्योंकि कोफैक्टर फाइंड करने में काफी टाइम खराब हो जाता है हमारा। एडजॉइंट निकालने के लिए पहले आप कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर से फिर एक मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है। लेकिन 2 × 2 अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है तो बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, वो बात सुन लो बस। क्या करेंगे हम, जो डायगनल एलिमेंट है, जो डायगनल एलिमेंट है, दोनों को इंटरचेंज करेंगे, यहाँ 4 लिख देंगे और यहाँ -1, डायगनल एलिमेंट इंटरचेंज हो गए, और जो नॉन डायगनल एलिमेंट है उनके साइन चेंज कर देंगे, वो +5 है उसे -5 लिख देंगे, ये -2 है इसे +2 लिख देंगे, बस ये हो जाता है डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए। यानी अगर 2 × 2 का आपको एग्जाम में मैट्रिक्स देखने को मिले और उसका आपको एडजॉइंट निकालना है तो आप डायरेक्ट लिख देंगे। क्या हुआ, जो डायगनल एलिमेंट है उन्हें इंटरचेंज कर दिया, -1 की जगह 4, 4 की जगह -1, और जो नॉन डायगनल है उनके साइन चेंज कर दे, बस यही होगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना, तो बस इसमें इतना ही रखिए।